हम जाने लगे हैं झील सैफुल मलूक और ये एक शानदार सफ़र होगा हमारा। ये आ गई है जीप वगैरह, आ गई है और आ रही आ चुकी हैं, और इसके बाद इंशाल्लाह झील सैफुल मलूक के बाद लाहौर की तरफ। और अभी तक जितना सफ़र है बहुत ही शानदार सफ़र था। ये आप लोग मेरी बैक साइड पर देखें, ये कुदरत के नज़ारे, ये देखिए आज धूप निकली हुई है, थोड़ी थोड़ी धूप है लेकिन खुदा के हुस्न का यहाँ पे कोई शुमार नहीं, बहुत ही और शानदार जगह। बाकी अब हम वीडियो बनाएंगे वहाँ पे झील सैफुल मलूक पे, झील सैफुल मलूक की आपको ज़्यारत करवाते हैं, वहाँ की परियों की कहानियाँ आपको सुनाएंगे। तो चले चलते हैं झील सैफुल मलूक। हम पहुंच चुके हैं झील सैफुल मलूक पे और हमारी टीम सारी आ चुकी है। ये हमारी टीम आ चुकी है यहाँ पे, जा रहे हैं वापस। अच्छा, हमारी टीम जा रही है वापस। ये इधर चेक करें, ये झील सैफुल मलूक है और इसके ऊपर जितनी कहानियां बनी हुई हैं वो सारी कहानियां ही हैं जी। आज हमारी किस्मत अच्छी है कि यहाँ पे धूप निकली हुई है और शानदार व्यू है। और आप मेरी बैक साइड पर देखेंगे, ये आपको झील सैफुल मलूक नज़र आ रही है और इर्द गिर्द इसके पहाड़ियाँ और पहाड़ियाँ, ये देखें शानदार आज व्यू है। क्योंकि आज धूप निकली हुई है उसी की वजह से ये रास्ता क्लियर है और यहाँ पे आपको बहुत सारी लोग कहानियाँ सुनाने वाले भी मिलेंगे झील सैफुल मलूक के बारे में। तो अगर आपने सुननी है वो परियों की कहानियाँ तो लाजमी सुने उनसे, नहीं तो आप नेट से सर्च कर लें और उधर से या आप परियों की कहानियां सुन लें। तो चले नजदीक जाके आपको झील दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। ये देखें, ये आबशारों से पानी आ रहा है और झील सैफुल मलूक के अंदर जा रहा है।
ये खूबसूरती है झील सैफुल मलूक की। अगर आप इसे लोलूसर लेक से कंपेयर करें तो ये अपनी जगह है और लोलूसर लेक अपनी जगह है। अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं लोलूसर लेक को ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा। ये जो बैक साइड पे आपको पहाड़ नज़र आ रहा है ये है नागा पर्वत, मलका पर्वत, और इसे भी अली सद पारा ने सर किया है विदाउट ऑक्सीजन के। हमारे मुल्क के वो कीमती सरमाया थे अली सद पारा। झील सैफुल मलूक, तो यहाँ से हमारी वापसी स्टार्ट होगी और यहाँ से हम जाएंगे अपने होटल में और वहाँ से फिर वापस लाहौर की तरफ रवाना हो जाएंगे। तो ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ से ज़मीन का कटाव हो रहा है। ज़ोहेब भाई यहाँ पे नग ढूंढ रहे हैं और मुझे उम्मीद है इन्हें यहाँ पे हीरा मिल जाएगा। ज़ोहेब भाई हीरा ढूंढ रहे हैं या सोना ढूंढ रहे हैं? यार मैं यहाँ पे ना बड़े बड़े खूबसूरत पत्थर हैं डिफरेंट कलर्स के, आप देख सकते हैं, ये ब्यूटी होती है। वाओ, इन पहाड़ों में। अच्छा, ये मुझे तो कोई ये बर्फ नहीं है, ये पत्थर है। अच्छा, वाओ, वाओ, बिल्कुल मुझे बर्फ लग रही है। ये ऐसा नहीं है। वेरी गुड, सॉफ्ट पानी है। वीडियो बनाओ यार, वीडियो बनाओ उनकी जल्दी से। कसीम भाई आ रहे हैं, कसीम, ये सब डरता नहीं है? अब हम वापस लाहौर के लिए रवाना होने लगे हैं और हैप्पी एंडिंग है, बहुत अच्छा टूर था और इंशाल्लाह आपके साथ सारे टूर की जितनी भी वीडियोस हैं और अपने व्लॉग्स में शेयर करेंगे तो इस